तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या कहते हैं। कि इसमें ये है प्रॉब्लम कि टू स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट और ये सेकंड है। इन दोनों स्टेटमेंट को बड़े आराम से पढ़ो, तुम्हारे लिए ही है। एलिवेटर गो अप और डाउन, अरे भाई ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो ये भी बताना पड़ेगा। एक्सलेट हो रहा है, डिटार्ड हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है। देन वेट इज बैलेंस बाय द टेंशन ऑफ द केबल, मतलब एक पूरी की पूरी इलेवेटर है भाई। कि स्टेटमेंट केस फर्स्ट अगर देखोगे तो फर्स्ट केस में ये डिब्बा है, ये इलेवेटर है, तो इलेवेटर है, ये पूरी लिफ्ट है, और अगर ये ऊपर जा रही है तो कुछ नहीं होता, यहाँ एक पुली होता है, और इस पुली से एक ये रैप है, और ये पुली स्ट्रिंग से अटैच है। तो ये पूरी की पूरी इलिवेटर ऊपर जा रही है, एक बॉक्स है जिसके पास कुछ मास है, इसका मास मैं एम मान लेता हूँ, और ये पूरा का पूरा एक्सलेशन जीरो से ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसके पास जो भी मास है एम जी, तो वो बैलेंस कौन करेगा मेरे भाई? तो वो बैलेंस करेगा इसमें टेंशन टी। तो टेंशन टी की वैल्यू किसके बराबर होगी? वेट एम जी के। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब टेंशन तो एम जी के बराबर हो गया, और इससे ज़्यादा कोई इक्वेशन तो इसमें बनेगा नहीं, समझ रहे? तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन जो है वेट को बैलेंस कर लिया, टेंशन जो है बराबर हो गया डब्ल्यू के वेट को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ए ऑप्शन गलत है। फर्स्ट ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, ए भी गलत है, क्योंकि या तो ये सही है या तो ये सही है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। बात करते हैं सेकेंड का, सेकेंड में क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई? तो अगर सेकेंड स्टेटमेंट का बात करोगे तो फोर्स एग्जर्टेड बाई द केबल ऑफ एलिवेटर, द फोर्स एग्जर्टेड बाई द फ्लोर ऑफ एलिवेटर, अगर ये फ्लोर है, द फोर्स एग्जर्टेड बाई द फ्लोर ऑफ ऑन द फुट ऑफ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट एंड इट वेट वेन द एलिवेटर गो डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड। तो ये कहते हैं कि देखो, अगर ये एलिवेटर है और ये एलिवेटर, इस एलिवेटर लिफ्ट के अंदर एक पर्सन है, ये ऑब्जर्वर है, पर्सन है, और ये स्टाइलिश बाल रखता है, और ये एलिवेटर इंक्रीजिंग स्पीड से नीचे जा रही, मतलब एक्सलेशन नीचे है, ठीक है। ये कहता है कि फोर्स एग्जर्टेड एलिवेटर पासिंग इज मोर, क्या जो नॉर्मल फोर्स है, ये जो नॉर्मल फोर्स जो फ्लोर इस पे फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स, वो क्या ज़्यादा होगा? नॉर्मल फोर्स इट इज़ मोर, नॉर्मल फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स इज मोर देन वेट, क्या वेट से ज़्यादा होगा? तो वेट किधर लगेगा भाई? वेट एम जी नीचे लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका है, मैं इसी के फ्रेम से देखता हूँ, यहाँ मैं चेयर लगा के बैठ जाता हूँ, तो चेयर लगा के अगर मैं बैठ जाऊँ तो इस पे मैं सूडो लगाऊंगा, इस पर्सन पे सूडो लगाऊंगा मेरे रिस्पेक्ट में, तो रेस्ट में तो सूडो कैसे लगाते हैं? सूडो इज इक्वल टू एक्सलेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट और मास ऑफ द बॉडी। तो इस पर्सन पे अगर मुझे रेस्ट में दिखाई रहा है, ये मैं हूँ, ठीक है ना, ये मी हूँ जो ऑब्जर्वर बन के वहाँ पर बैठ गया हूँ, तो यहाँ से इसको रेस्ट में दिखाए तो नॉर्मल प्लस सूडो बराबर होगा वेट एम जी के। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम जी माइनस एम ए सूडो, और एम जी क्या है? वेट माइनस एम ए। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? तो नॉर्मल नॉर्मल जो है वो तो कम आ गया ना, नॉर्मल इज लेस देन वेट डब्ल्यू, समझ रहे हो ना, नॉर्मल जो है वो डब्ल्यू से कम आ रहा है, क्योंकि ये है नॉर्मल, और नॉर्मल वेट के बराबर होता है जब एम ए की वैल्यू जीरो होती है। अब वेट में कुछ कम करोगे तब तो नॉर्मल आएगा, मतलब नॉर्मल ज़्यादा होगा भाई, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल इट इज़ मोर देन वेट, नो नॉर्मल इज लेस देन वेट। तो बोथ इस फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट बोथ आर ट्रू, तो ए भी ऑप्शन अपना गलत हो गया। द फर्स्ट द करेक्ट वन इज द सेकेंड ऑप्शन, सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।